साथियों, भारत ने दशकों तक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरलिज्म ही देखा था। हमारी सरकार ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में बदलने का प्रयास किया और समय के साथ अब हम कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस अभियान में भारत के अलग अलग राज्यों ने जिस तरह आगे बढ़कर के हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया, शौचालयों के निर्माण के लिए काम किया, ये सभी राज्य भी प्रशंसनीय है। इस अभियान के दौरान केंद्र सरकार ने स्वच्छता से जुड़े हर विषय पर राज्य सरकारों को साझेदार और भागीदार बनाया। ट्रेनिंग से लेकर फंडिंग तक में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। राज्यों को हर तरीके से मदद दी गई कि वो अपने स्तर पर अपने तरीके से स्वच्छ भारत अभियान को गति दें, उससे जुड़े संकल्प पूरे करें। आज मुझे खुशी है कि स्वच्छता सर्वेक्षण के माध्यम से अब राज्यों में आपस में होड़ लगी है कि कौन राज्य, किसका राज्य स्वच्छता रैंकिंग में सबसे ऊपर जगह बनाता है।